बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वर्जिस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके एक मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बना रहे हैं दलीम और उसके साथ देग चावलों की। तो आइए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी जो है किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी जो है हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और उसके लिए हमें काफ़ी सारा काम जो है जल्दी जल्दी निपटाना होगा। तो चलिए सबसे पहले चीज़ों की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ये बेटा किधर जा रहा है? बेटा किधर जा रहा है? आज तो छुट्टी है, आज कहाँ जा रहे हो?
तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। देख में डालेंगे घी। देख में डालेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को ब्राउन आने तक फ्राई कर लिया और अभी देख में डालेंगे पानी। देख में पानी डालने के बाद देख को ऊपर से ढाँप देंगे ताकि प्याज का कलर जो है वो निकल आए। प्याज का रंग निकल आया और अभी प्याज के साथ शामिल कर लेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जीरे के बाद अभी हम डाल लेंगे नमक। और थोड़ी सी डाल लेंगे लाल मिर्च। जीरे और मिर्च को थोड़ी देर के लिए पका लिए। अभी देख में डालते हैं पानी। ये वाली 3 डोलियां हमने चावल लिए थे और 5.5 डोलियां पानी ले लेंगे। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हिलाएंगे। और देख को ऊपर से डांप देंगे पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अभी हम देखने में डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद चावलों को एक दफा हिला लेंगे।
और देख को ऊपर से डांप देंगे। चावलों में उबाल आना शुरू हो गया, एक दफा फिर से चावलों को हिला लेंगे। और दोबारा से चावलों को ऊपर से डाल देंगे। इस दफा चावलों को हलाने के बाद अभी हम चावलों को दम पर रखेंगे। और चावलों के नीचे से आंच जो है वो बंद कर देंगे। चावलों के नीचे से आंच बंद करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रहने देंगे। दलीम तैयार करने के लिए दाल को हमने पहले से उबाल लिया है और अभी इसको घोटने की मदद से घोट लेते हैं, क्योंकि मशीन हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से इसे क्रश कर लिया जाए। तो हम पहले से ही दाल को जो है वो मैश कर लेते हैं, गोटा लगा लेते हैं। दलीम तैयार करने के लिए हमने जो दालें इस्तेमाल की हैं उसमें मूँग की दाल, माश दाल और इसके अलावा चने और चावल और थोड़ी सी गंदम। दाल को जितना अच्छी तरह मैश करेंगे दाल उतनी ही ज़बरदस्त और गाढ़ी सी जो है वो तैयार होगी। चावलों को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी देखो चूल्हे से नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल हमारे तैयार हो गए हैं और अभी दलीम तैयार करते हैं। दलीम के लिए यही चूल्हा हम थोड़ा नज़दीक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़ा देखचा जो है वो छोटा इस्तेमाल करेंगे, तो चूल्हा ज़रा छोटा कर लेंगे। इन्हीं लकड़ियों को कर लेंगे चूल्हे के अंदर, देखते को रख लेंगे चूल्हे पे। देखते में डाल लेंगे पानी, पानी के साथ ही देखते में डाल लेंगे चिकन। चिकन के साथ डाल लेंगे नमक, नमक डालने के बाद एक दफा हलाएंगे, देखते को ऊपर से डाल देंगे और गोश्त के उबलने का इंतजार करेंगे। अभी हम चावलों को खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और खुशबू जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। चावल जो है वो भी माशाल्लाह निखरे निखरे से। चिकन हमारा उबल गया, देखिए को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। चिकन को देखिए में से निकाल लेंगे, दोबारा से देखिए को रखते हैं चूल्हे पे और दलीम के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए में डालेंगे घी,
ऑयल गर्म हो गया, ऑयल के साथ देखते में डालेंगे प्याज। प्याज को नरम कर लेंगे, प्याज के नरम होने तक चिकन को छोटे छोटे रेशों में कर लेंगे। प्याज को नरम कर लिया और प्याज के साथ डालेंगे देखते हमें टमाटर। अभी देखते हमें डालेंगे नमक ताकि टमाटर जो है वो भी जल्दी से नरम हो जाए। टमाटर को भी नरम होने तक पका लिया और अभी देखते हमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक। साथ ही डाल लेंगे लहसुन। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और लहसुन को उसकी महक खत्म होने तक पकाएंगे। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर पकाने के बाद अभी डालेंगे बाकी मसाला जात, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे। पानी डालने के बाद अभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लिया और अभी मसाले के साथ शामिल कर लेंगे देखिए में रेशे की और चिकन। चिकन को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चिकन की बुनाई के साथ साथ चिकन के साथ शामिल कर लेंगे दलीम पाउडर। चिकन को भी मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया। माशाल्लाह दलीम के लिए हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अभी देखिए हमें डाल लेंगे दालें। दाल डालने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। दाल वाले बर्तनों को खंगाल के देखिए में डाल लेंगे। देखिए में दालें डालने के बाद चम्मच जो है मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दालें जो है वो नीचे ना लगे और साथ में हम पानी भी थोड़ा शामिल कर लेंगे ताकि दालें जो है थोड़ी पतली हो जाएं। दलीम को अगर चावलों के साथ खाना हो तो थोड़ा पतला रखा जाता है, अगर नान या रोटी के साथ खाना हो तो इसको थोड़ा गाढ़ा रखना चाहिए। तो माशाल्लाह दलीम हमारी तैयारी की आखिरी मरहल में और अभी इसके साथ शामिल कर लेते हैं कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जायका जो है वो बरकरार रहे एंड तक। हरी मिर्च को डालने के बाद मिक्स करेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी दलीम के ऊपर डाल लेते हैं हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। धनिया के साथ दलीम में डालेंगे गरम मसाला।
गरम मसाला डालने के बाद देगचे को ऊपर से डांप लेंगे और देगचे को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और देगचे को चूल्हे से नीचे उतारने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए डांपते रहने देंगे। अभी मसाले और धनिया को दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह दलीम में से खुशबू जो है बहुत ही मज़े की आ रही है। तो माशाल्लाह ये हमारी दलीम और चावल की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो चलो।